साले जो दिखावटी अपनी स्वार्थ यात्रा के नाम पर समाधान यात्रा निकालने जो मुख्यमंत्री निकले हैं, पहले वो बक्सर का समाधान करें, पहले वो किसानों का समाधान करें, पहले वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों का समाधान करें, सीटेट बीटेट का समाधान करें, तब जाके सही मायनों में बिहार में ये समाधान कर पाएंगे। पर जो समस्या की जड़ स्वयं हो उनसे समाधान की अपेक्षा रखना संभव नहीं है, और ये बक्सर जैसी निंदनीय घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता। कहना क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, बताएं ना किस मानसिकता से पीड़ित हैं ये, क्या सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया पुरुष और महिला में जिस तरीके का ये भेदभाव करके बताना चाह रहे हैं, मतलब तमाम तरीके के पुरुषों की मानसिकता को ये एक ऐसी ओछी मानसिकता के साथ जोड़ना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी की अपनी निजी सोच हो सकती है, पर आज की तारीख का युवा, बिहारी युवा और बिहार के पुरुष भी उनकी सोच को सुन रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उनकी सोच का जवाब बिहार की जनता ने दिया था, आने वाले दिनों में भी। सवाल खड़ा किया है, भड़काव वाला ग्रंथ है, देश को तोड़ने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस में शिक्षा मंत्री का बयान। ये शिक्षा मंत्री, ये तमाम ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेता जो बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, वो हमारे इतिहास को, हमारे ग्रंथों को, हमारे ऐसी चीजों को जिनमें लोगों की आस्था होती है, उस पर सवाल उठाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। भाई हम लोग एक ऐसे प्रदेश में हैं जहाँ के मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी राजनीति बंटवारे करके ही उन्होंने सिद्ध की है, बंटवारे की राजनीति को साथ कर ही वो बार बार मुख्यमंत्री बने। जो मुख्यमंत्री महिला पुरुष तक में बंटवारा करते हो, जो दलित को महादलित करते हो, पिछड़ा को अति पिछड़ा करते हो, कभी कोरी कभी कुर्मी कभी लव कभी कुछ कभी अगड़ा कभी पिछड़ा की राजनीति करते हो, वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण ही मुख्यमंत्री देते हैं, उनकी सरकार के मंत्री देते हैं। लोगों की आस्था, लोगों की भावना से इस तरीके का खिलवाड़ करना का परिणाम पहले भी मुख्यमंत्री जी पिछले चुनाव में भुगत चुके हैं, आने वाले दिनों में पुनः जनता इसका जवाब उन्हें देगी। भाई मेरी सुरक्षा मेरा मंत्री पद, इससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। इन तरीके के सवालों का कोई मायने नहीं है, किसको सुरक्षा मिल रही है किसको सुरक्षा नहीं मिल रही है। बिहार और बिहारियों की जनता, बिहार की जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए एक जनप्रतिनिधि होता है, ना कि व्यक्तिगत। शिक्षा मंत्री अभी भी अपने और वो अपनी सोच है भाई, जो उनकी सोच है, पर इस तरीके से जनता की भावना को भड़काना उचित है। पासवान जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद।